हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। जो RPSC, रीट, SI पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, LDC, वनपाल, वन रक्षक, इन सभी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें ग्रासिया जाति के लोक नृत्य, भील जाति के लोक नृत्य, कालबेलिया, शेखावाटी और जो भी इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको। तो दोस्तों, उनको ध्यान से देख लीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं लोक नृत्यों के, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम ग्रासिया जाति के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रासिया जाति के लोक नृत्यों की ट्रिक क्या हो गई। दोस्तों, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, जिससे आपको जब भी कोई नृत्य दिया हो तो आपको तुरंत याद आ जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों देखो, ग्रासिया जाति की ट्रिक है कि माँ कहती है गोलू से, कि माँ गोलू से कहती है कि तू घर से बाहर जाकर खेल। इसकी ट्रिक बनाएंगे हम, कि इसी के माध्यम से हमें क्या क्या याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, माँ गोलू से कहती है, माँ गोलू घर से बाहर जा कूद, यानी अंदर मत कूद, बाहर कूद। तो माँ गोलू घर से बाहर जा कूद, ठीक है। यही ट्रिक है अपनी दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस माँ से क्या याद रखोगे दोस्तों, माँ से आपको याद हो जाएगी मांदल। क्या याद होगी? मांदल, ठीक है। गोलू, गोलू में जो गो है उससे याद हो जाएगा आपको गोर, ठीक है। गोलू के अंदर लू है तो उससे हो जाएगा आपको लूर। घर से याद रखना है दोस्तों, घर से गरबा हो जाएगा, और घर से ही याद रखना कि ये ग्रासिया जाति के लोक नृत्य हैं। घर से क्या याद रखोगे कि ये ग्रासिया जाति के लोक नृत्य हैं। हम ट्रिक तो याद कर लेते हैं, याद हो जाती है, लेकिन अब हम भूल जाते हैं कि ये ट्रिक किसकी है। इसलिए मैंने इससे घर से क्या याद रखोगे, ग्रासिया जाति के लोक नृत्य भी हैं, ठीक है। सेको हटा देना, वाहर, वाहर से आप याद रखना, वाह से याद रखना वालर। वालर लोक नृत्य भी किसका है? ग्रासिया जाति का। रा से याद रखना दोस्तों, रायण, रायण लोक नृत्य, ये भी ग्रासिया जाति का है। जा से क्या याद रखोगे दोस्तों? ज्वारा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। कूद से याद करना दोस्तों, कूद, ये भी सब ग्रासिया जाति के लोक नृत्य हैं। तो ये हो गई दोस्तों ग्रासिया जाति की आसान ट्रिक है दोस्तों, आसान भाषा में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कालबेलिया जाति के लोक नृत्य, ठीक है। इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों कालबेलिया लोक नृत्य की, ये भी आसान है, कि कालबेलिया की बाई गुलाबो पस गई, ठीक है। एक कालबेलिया की बाई है गुलाबो नाम की, वो कहाँ है, पस गई है वो दोस्तों। तो कालबेलिया की बाई गुलाबो पस गई है, ठीक है। इससे आपको क्या क्या याद रखो, देखो कालबेलिया से तो आपको याद हो जाएगा कि कालबेलिया लोक नृत्य हैं ये, ठीक है। बाई में दोस्तों बा है, तो बा से क्या याद हो जाएगा अपन को, बागड़िया नृत्य। क्या याद हो जाएगा? बागड़िया नृत्य। इसको मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट सारे आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों जल्दी ही। इसे याद रखना दोस्तों, इंडोनी नृत्य। इसे क्या याद रखोगे? इंडोनी नृत्य। मैं सब वही क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सबको सीरीज के रूप में आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें आप टेस्ट भी दे सकते हो। गुलाबों से याद रखना दोस्तों, गुलाबों से क्या याद हो जाएगी आपको? गुलाबों। तो गुलाबों के बारे में बता देता हूँ आपको, कि गुलाबों कालबेलिया नृत्य की या नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग एग्जामों में पूछा यही क्वेश्चन जाता है गुलाबों के बारे में, कि गुलाबों किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों गुलाबों कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई इस नृत्य को भी। पैसे याद रखना दोस्तों, ट्रिक में अपन ने गुलाबो पस, पस से याद रखना, पस में प है उसकी आपको याद हो जाएगी पणिहारी नृत्य। से याद रखना दोस्तों, संकरिया नृत्य। तो ये तो ट्रिक भी आसान है और ये आपको आसान से याद हो जाएगी, ठीक है। 10 से 15 बार रिपीट कर लेना दोस्तों इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कौन से नृत्यों के बारे में, भील नृत्यों के बारे में। भील जाति के नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों?
तो भील जाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? देखो, युद्ध में गेर, द्विहाती, गवर घूमने, भाग गो, यानी युद्ध में दो हाथी हैं जो क्या है, गवर घूमने के लिए भाग गए हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं कि युद्ध में गैर द्विहाती, यानी दो अजनबी हाथी है। गैर, गैर का मतलब होता है अजनबी, तो गैर से गैर द्विहाती, गवर घूमने, भाग गो, यानी दो हाथी भाग गए हैं उसके बारे में। देखो, अब इसको 10 से 15 बार रिपीट करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी और फिर आपको क्वेश्चन बताने में आसानी रहेगी। देखिए, युद्ध से क्या याद होगा आपको? युद्ध से याद करना दोस्तों, युद्ध, युद्ध ही एक नृत्य है, युद्ध, ठीक है। फिर है युद्ध के बाद में गैर, गैर से याद रख लो, चलो गैर को छोड़ दो, आप तो ऐसे समझ लो कि युद्ध से आपको युद्ध तो याद हो गया, मैं को छोड़ देना दोस्तों, किसको छोड़ दोगे? मैं को छोड़ देना। अब गैर से क्या याद रखोगे? गैर से याद रखोगे आपको गैर ऐसा का ऐसा याद हो जाएगा। द्वि से याद रखना दोस्तों, द्वि को छोड़ो, पहले इस गैर के अंदर गे गे है उससे तो आपको गैर याद हो जाएगा, इसके अंदर बाद में रहे हैं उससे याद हो जाएगा आपको रमणी, क्या याद हो जाएगा? रमणी। द्वि से क्या याद रखोगे दोस्तों? द्विचक्री। द्वि से क्या याद रखोगे? द्विचक्री। हाथी से क्या याद रखोगे दोस्तों? हाथी मना। हाथी से क्या याद रखोगे? हाथी मना, ठीक है। और फिर है गवर, गवर से आपको सीधा ही याद हो जाएगा गौरी। घूम से याद रखना दोस्तों, घूम से घूमरा, घूमरा नृत्य हो जाएगा। ने से याद रखना दोस्तों, नेजा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, नेजा। भाग से याद रखना दोस्तों, भाग से याद हो जाएगा भागोरिया नृत्य, भागोरिया नृत्य, ठीक है। और लास्ट में जो गो है, भाग गो, तो गो से याद हो जाएगा आपको गौर नृत्य। तो ये है दोस्तों भीलों की लोक नृत्य की ट्रिक, जिसमें अब एक बारी और बता देता हूँ मैं आपको, रिपीट कर देता हूँ कि युद्ध में गैर, द्वि हाथी, गवर घूमने, भाग गो, इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना दोस्तों, जिससे आपको ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा, ये तो हो गए अपने उसके नृत्य। अब मैं तीसरा है अपने, तीसरा पार्ट है शेखावाटी लोक नृत्य के बारे में, कि शेखावाटी लोक नृत्य को कैसे याद किया जाए। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, शौक से, ठीक है, शेखावाटी लोक नृत्य की ट्रिक है, शौक से गीदड़ घोड़ी चढ़ लहू जिंदा है, यानी कि शौक से गीदड़ घोड़ी चढ़ लहू जिंदा है, बस इसको याद करना आपको, बस इतनी सी ट्रिक है। इसमें देखो आपको क्या क्या याद हो जाएगा, इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आपको, बस इसको रिपीट करना है 10 से 15 बार, आँख बंद के इसको, आँख बंद करके इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, जिससे आपको ये ट्रिकें याद हो जाएगी दोस्तों। शौक से गीदड़ घोड़ी चढ़ लहू जिंदा है, इससे क्या हो गया आपको? गीदड़ से क्या याद रखोगे अपन? गीदड़ से याद रखना दोस्तों, देख शौक से अपना शेखावाटी हो जाएगा, शौक से क्या याद हो जाओगे? शेखावाटी नृत्य हो जाएंगे। गीदड़ से याद रखना दोस्तों कि गीदड़ नृत्य हैं जो शेखावाटी लोक नृत्य हैं। घोड़ी से याद रखना दोस्तों, घोड़ी से कच्ची घोड़ी, ये लोक नृत्य शेखावाटी लोक नृत्य हैं, ठीक है। चढ़, चढ़ में जो च है उसका हो जाएगा दोस्तों चंग, क्या हो जाएगा उसका? चंग नृत्य, ठीक है। डे से क्या याद रखोगे दोस्तों? डे से याद रख लेना दोस्तों डप नृत्य, क्या याद रखोगे डे से? डप नृत्य। लहू से क्या याद रखोगे दोस्तों? लहू से हो जाएगा लहूर लहूर, ठीक है, लहूर लहूर भी शेखावाटी नृत्य हैं। फिर है जिंदा, जिंदा से याद रखना दोस्तों जिंदाद, कौन सा? जिंदाद, ये लोक नृत्य भी शेखावाटी लोक नृत्य हैं। फिर देखते हैं हम दोस्तों भरतपुर के लोक नृत्य, भरतपुर में लोक नृत्य कौन कौन से हैं? भरतपुर के लोक नृत्य देखो, एक तो है भरतपुर रब नोच, भरतपुर को बोल रहा है कि भरतपुर रब को नोच, ठीक है, या रब नोच, तो भरतपुर से याद रखना दोस्तों, ये भरतपुर की ट्रिक है। रब से, रब में जो र है उसका तो हो जाएगा रशिया, क्या हो जाएगा उसको? रशिया। वैसे याद हो जाएगा दोस्तों बम, वैसे बम। नोच से, नो से हो जाएगा दोस्तों नोटंकी, और च से हो जाएगा दोस्तों चरकुला, क्या हो जाएगा? चर से चरकुला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी एक ट्रिक और है, एक तो चलो उसको तो रहने दो आपको, मैं यही सही है, नहीं तो दो में कंफ्यूज हो जाओगे। मेओ से याद रखना दोस्तों, मेओ के नृत्य कौन कौन से हैं? मेओ के नृत्य भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। रात मेओ में रण, रात में क्या किया? रात में, रात में, रात देख लो पहले, फिर मेस से पढ़ो कि रात में, ठीक है, रात में वह रण, यानी रात में वह रण किया, रात में उसने रण किया, ऐसे समझ लो। तो देखो रात से क्या याद रखा, रात में वह रण, तो रात, रात से क्या याद रखोगे? रात से आपको याद हो जाएगा रतवई,
रतवई लोक नृत्य मेवो का नृत्य है दोस्तों, मेव जाति का लोक नृत्य है मेव। रण से याद रखोगे दोस्तों रणबाजा नृत्य, क्या याद रखोगे, रण से रणबाजा नृत्य, ठीक है, और मेव से ऐसा का ऐसा मेव, मेव जाति के लोक नृत्य हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गए अपनी जो भी ट्रिक थे अपन नृत्यों की, वो सब मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मैं SI का पेपर लेके आऊँगा, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। मैं ये जो बुकें होती है जैसे राय की, मैं उसको सोल्व कराऊँगा आपको, राय में जो भी SI के पेपर हैं उन सभी को मैं आप तक पहुँचाऊँगा दोस्तों। तो ऑनलाइन में उसकी उनके बारे में बता दूंगा आपको, उसके बारे में जो भी हल होगा उसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए।